नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भाग्य और कर्म के देवता और आपके राशि के स्वामी शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, 12 जुलाई 2022 की सुबह में 10:28 पर शनिदेव आपकी राशि यानी कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मकर राशि में 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इस समय अंतराल में 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक शनिदेव वक्री रहने वाले हैं और 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव मार्गी रहेंगे। तो इस 6 महीने 5 दिन की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है, शनिदेव आपके जीवन को आपकी लाइफ को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं और कहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है, किन उपायों को कुंभ राशि वाले जातकों को करना चाहिए जिससे आपके राशि के स्वामी शनिदेव आपके जीवन में काफी कम दुष्प्रभाव दे सकें और आपको अच्छा खासा लाभ जीवन में जरूर मिल जाए। तो कुंभ राशि वाले जातकों, शनि के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो शनि को कर्म का ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव को और गुरु बृहस्पति को विशेष कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है, जिसमें शनिदेव को व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म, व्यक्ति के पुरुषार्थ का यानी वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं, जो सभी व्यक्ति जो कर्म कर रहे हैं, और संचित कर्म का उचित न्याय और लेखा जोखा करने का अधिकार शनिदेव का होता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शनिदेव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और सभी 12 राशियों का एक चक्र पूरा करने में शनि को 30 वर्ष का समय लगता है। शनिदेव किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि अनुकूल हो जाएं, यानी शुभ हो, शनिदेव उच्चस्थ स्थितियों में यदि जन्म कुंडली पर मौजूद हो तो कई प्रकार की सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। शनि के बलि होने पर जातक धनवान होता है। ऐसे जातक को जीवन में उच्च प्रशासनिक पदों पर जाने के लिए किसी प्रकार के अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता। शनि यदि जन्म कुंडली पर बलि हो तो जातक कर्मठ होता है। अपनी बाजियों की ताकत पर या अपनी मेहनत के ऊपर हर प्रकार का विश्वास रख के जीवन में हर क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकता है। उसके साथ साथ शनिदेव यदि जन्म कुंडली पर खराब स्थितियों में होते हैं तो कई प्रकार की परेशानी, कई प्रकार की बीमारियां व्यक्ति के जीवन में देने लगते हैं, क्योंकि शनिदेव को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, इन सब विषयों का कारक माना जाता है। तो शनिदेव यदि जन्म कुंडली पर पीड़ित हो तो व्यक्ति को दुर्घटनाएं देखने के लिए ज्यादा मिलती है। शनि के खराब होने पर व्यक्ति को पैरालिसिस की बीमारी होती है, कैंसर जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है। शनि यदि खराब हो तो जुखाम की समस्या, नपुंसकता की बीमारी देखने के लिए मिलती है। शनि यदि मेष राशि में बैठे हुए हों और अष्टम भाव में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या ज्यादा देखने के लिए मिलती है। पैर की हड्डियां या पीठ की हड्डियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हमेशा परेशान करती है। गठियाबाद की समस्या भी और पेट से जुड़ी समस्या भी शनिदेव के खराब होने पर देखने के लिए मिलती है। शनिदेव मेष राशि में नीचस्थ स्थितियों में होते हैं और तुला राशि में उच्चस्थ स्थितियों में होते हैं और ये मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो कुंभ राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। यदि आपको अपनी चंद्र राशि ना मालूम हो तो
तो फिर आप इसे अपने नाम राशि के अनुसार जरूर देखें। वैदिक ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि यदि आप चंद्र राशि पर कोई भी फलादेश देखते हैं तो आपके जीवन में ज्यादा सटीक बैठेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव इस समयावधि में, चूंकि आपके राशि के लिए शनिदेव आपके खर्च भाव और आपके लगन भाव के स्वामी होते हैं, जिनका गोचर आपके राशि से 12वें भाव में होने वाला है, 12 जुलाई को शनिदेव आपके राशि के 12वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे और 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक मार्गी रहेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के राशि के 12वें भाव में शनिदेव मौजूद होकर अपनी तीसरी दृष्टि से कुंभ राशि वाले जातकों के धन भाव को शनिदेव देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से आपके राशि के रोग भाव को देख रहे हैं और दशम दृष्टि से इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के शनिदेव भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 12वें भाव से चूंकि विदेश खर्च मोक्ष हानि और सैया सुख के बारे में विचार किया जाता है और इसी भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कर्म के मामले में आत्मविश्वास बनाकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। यदि करियर के मामले में कुंभ राशि वाले जातक टारगेट बनाकर कार्य करेंगे और यदि आप टीचेबल रहेंगे यानी लगातार सीखते हुए रहेंगे, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की स्थितियां निर्मित है या किसी प्रकार के कार्य में आप जुड़े हुए हैं, वहां पर यदि आत्मविश्वास के साथ टारगेट बनाकर यदि कार्यरत रहेंगे तो सफलता करियर के मामले में आपको बेहतरीन से बेहतरीन इस समय अंतराल में देखने के लिए जरूर मिलेगी। 12वें भाव में शनिदेव मौजूद होकर इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को विदेश में जो जातक कार्यरत हैं उनके लिए काफी श्रेष्ठ संभावनाओं का निर्माण कर रहे हैं, यानी करियर के मामले में ऐसे जातक जो विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं उनके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शनिदेव धन से जुड़ी हुई यदि किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में बनी हुई है उससे आपको निजात जरूर देने वाले हैं, परंतु कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में खर्च की अधिकता भी काफी ज्यादा बनी रह सकती है, इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में खर्च कम करके बचत ज्यादा रखकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। कुंभ राशि के जो जातक शेयर बाजार सट्टा लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करते हैं उनको शनिदेव 12वें भाव में मौजूद रहेंगे तो उनको जीवन में सोच विचार कर धन का निवेश करना चाहिए। इस समयावधि में शनिदेव आपके राशि के रोग भाव पर दृष्टि दे रहे हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों को अपनी सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ज्यादा किसी प्रकार की समस्या आपको सेहत के प्रति देखने के लिए नहीं मिलेगी, परंतु आपको यहां पर जैसे यदि आप एकांत स्थान पर जाते हैं या किसी प्रकार से कुंभ राशि के जातक यदि कहीं दूरस्थ सीढ़ियों पर यदि आप चढ़ रहे हैं या वाहन यदि आप चलाते हैं ऐसी चीजों पर यदि आप रहते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों को सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। चूंकि कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है तो यहां पर आपके जीवन में हड्डियों से जुड़ी हुई कुछ समस्या तो आपको जरूर परेशान करेगी। इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को शनिदेव के प्रभाव के कारण आर्थिक मामलों के लिए समय काफी ज्यादा श्रेष्ठता देगा और राशि के 6वें भाव से नौकरी का भी विचार किया जाता है तो कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में नौकरी में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो उससे आपको जीवन में जरूर बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में धार्मिक क्षेत्रों में जुड़ने का एक अभूतपूर्व अवसर देखने के लिए मिलेगा और धार्मिक यात्राएं आपको इस समयावधि में करनी पड़ सकती है। उसके साथ साथ कुंभ राशि के ऐसे जातक जो मार्केटिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, भवन वाहन या भूमि से जुड़ा हुआ यदि आपका कार्य है, मजदूरी करते हैं, या कुंभ राशि के जातक जो इस समयावधि में ड्राइवर हैं, कूली का कार्य करते हैं या तेल से जुड़ा हुआ या किसी प्रकार का आपका कार्य है,
ऑटोमोबाइल के सेक्टर में यदि आप जुड़े हुए हैं, यानी परिश्रम वाले यदि कार्य कुंभ राशि वाले जातक करते हैं, उसमें यदि आप ईमानदारी बरतेंगे तो संभावना आपके लिए काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर रहेगी। कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में पारिवारिक जीवन में समन्वय बनाकर चलने की भी विशेष आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि शनि का यह राशि परिवर्तन पारिवारिक जीवन में ज्यादा किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं देने वाला है, परंतु पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई हर प्रकार की जिम्मेदारी को कुंभ राशि वाले जातकों को ध्यान में रखकर चलने की आवश्यकता इस समय अंतराल में रहने वाली है। तो ये तो रहा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के गोचर का प्रभाव। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में जीवन में हर प्रकार की संभावना को बेहतर करने के लिए अपने राशि स्वामी शनिदेव को और जीवन में अनुकूल बनाए रखने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर जीवन में जरूर चलना चाहिए। देखिए शनिदेव का नेचर क्या होता है। शनिदेव किसी व्यक्ति से साढ़े साथी में या जब महादशा में आते हैं तो उस व्यक्ति से संघर्ष ज्यादा करवाते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातक यदि ये बात अपने मन में बैठा लें, यानी यदि आप अपने अंदर आलस्य की मात्रा को कम रखें और अपने समय का दुरुपयोग कम करें और अपने हर कार्य को यदि आप समय पर करेंगे तो जीवन में संभावना आपके लिए बेहतर बनेगी। उसके साथ साथ शनिदेव इस व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति को दंड इसलिए देते हैं क्योंकि वह व्यक्ति बेईमानी करता है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातक यदि अपने व्यक्तिगत जीवन में हर प्रकार के कार्यों को करने से पूर्व यदि ईमानदारी, मन में धैर्य, मन में प्रसन्नता बनाकर रखें तो शनिदेव आपके जीवन में श्रेष्ठ और अनुकूल प्रभाव जरूर देंगे। कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जलाना चाहिए और कुंभ राशि वाले जातकों को दशरथ रचित शनि स्रोत का पाठ करना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातक यदि इस समय अवधि में काली चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो भी संभावना आपके लिए बेहतर बनेगी। यदि आपके जन्म कुंडली पर शनि की महादशा चल रही है और शनि आपके जन्म कुंडली में नीचस्थ स्थितियों में मौजूद हैं तो आपको काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला शर्ट या काला छाता, इन सभी चीजों का दान शनिवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को, मजदूर वर्ग वाले व्यक्ति को दान करना काफी ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा और दान का समय है शनि की होरा में, आपको शनिवार के दिन दान करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः शिवाय।